हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो रेडी हैं हम लोग घर से निकलने के लिए। अब हम जा रहे हैं एयरपोर्ट, ये सामान हमारा रेडी है, तो आज से हमारा ट्रिप स्टार्ट होने वाला है। तो गाइस बैग वगैरह सब रेडी है हमारा और हम भी तैयार हैं। न्यू दिल्ली एयरपोर्ट से हमारी फ़्लाइट है, तो चलिए चलते हैं टर्मिनल 3 की तरफ, न्यू दिल्ली एयरपोर्ट। तो गाइस अब हम पहुँच चुके हैं दिल्ली एयरपोर्ट T3 पे और यहाँ से हमारी फ़्लाइट के उस गेट पर हम जाने वाले हैं। देखो चलिए चलते हैं इंटरनेशनल डिपार्चर्स के बाद, ये आप देख सकते हैं मैंने बड़े पैसे लिए हैं। अब हम जा रहे हैं और अब हम जाएंगे काम लाउ तो गाइज इस टाइम बज रहे हैं सुबह के 5 और 5:50 पे हमारी बोर्डिंग स्टार्ट होगी। हमारी 6:50 की फ़्लाइट है यहाँ से अजरबैजान एयरलाइंस की फ्रॉम दिल्ली एयरपोर्ट टर्मिनल 3। तो यहाँ से हम लेंगे बाकी की डायरेक्ट फ़्लाइट अजरबैजान एयरलाइंस की। इसकी डिटेल्स मैं पहले वीडियो में दे चुका हूँ, अगर आप चाहेंगे तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख भी दूंगा और आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं कि डायरेक्ट फ़्लाइट का कहाँ से आपको बुक करनी होगी और क्या प्रोसीजर है। इस टाइम हम बैठे हैं एनकाम लाउंज में दिल्ली एयरपोर्ट T3 पे और यहाँ पे 1 घंटा रेस्ट करने के बाद हम अपनी फ़्लाइट बोर्ड करेंगे और फिर आपको मिलेंगे बाकी के एयरपोर्ट पे और वहाँ पे आपको दिखाएंगे। इस समय टाइम हो गया है 6:50 एंड हमारी फ़्लाइट टेक ऑफ करने वाली है और लगभग हम 11:30 बजे तक वहां पे लैंड करेंगे बाकू में। चलिए मैं आपको दिखा देता हूं थोड़ा सा बाहर का सीन। तो ये इन्होंने मील दी है, ये नॉन वेज मील है और ये वेज मील है। कुछ चिकन इसमें दिख रहा है, ये
ये चिकन और चने हैं, सैलेड है, और ये कुछ स्वीट डिश है उनकी, ये चीज है, ये बटर है, और ये बन है। वेज में इन्होंने छोले चावल दे दिए हैं, और सैलेड और बाकी सारी चीजें सेम, और ये इन्होंने जूस दिया है। एयरपोर्ट पे चलिए दिखाते हैं आपको आगे बाकू का एयरपोर्ट, यहाँ ट्रांसफर से हम अपना सामान लेंगे। तो गाइस ये यहाँ का इमिग्रेशन है, बहुत ही बड़ा इमिग्रेशन है, मुझे लगा नहीं था इतना बड़ा इमिग्रेशन होगा, इतने सारे काउंटर्स हैं और काफ़ी भीड़ भी है। हमारी फ्लाइट बिल्कुल भर के आई थी यहाँ पे। इमिग्रेशन हो गया, ज़्यादा कुछ सवाल नहीं पूछे, अब चलते हैं आगे। ये एयरपोर्ट है यहाँ का, बहुत ही छोटा सा एयरपोर्ट है। हम चल रहे हैं बैगेज लेने। तो आपका एक और नए वीडियो में बाकू एयरपोर्ट पे हैं हम, और ये हो चुकी हैं 100 ईयर्स ऑफ बाकू एयरपोर्ट। ये देखिए, चलिए आपको एयरपोर्ट दिखाते हैं, उसके बाद चलते हैं सिटी की तरफ। आइए, ये छोटा सा एयरपोर्ट है, वहाँ से हमने बैगेज कलेक्ट किया। ये रिसेप्शन काउंटर है, अभी फ़िलहाल सब कुछ क्लोज है। ये टर्मिनल 2 है और वो ड्यूटी फ्री शॉप्स। ये देखो भाई, ये है एयरपोर्ट बाहर से, काफ़ी सही भीड़ है। हमारी फ़्लाइट पे भी काफ़ी सारे लोग आए हैं और भीड़ तो काफ़ी अच्छी है। ज़्यादा बड़ा एयरपोर्ट नहीं है, वो बाहर टैक्सी खड़ी हुई है, टैक्सी और बस स्टैंड है। और ये कुछ इस तरीके का ये एयरपोर्ट बना हुआ है। ये ट्रैवल स्टोर है, कन्वीनियंस स्टोर, इस तरीके की यहाँ पे कार्स खड़ी होती हैं, आप कोई भी बुक कर सकते हैं बोल्ट टैक्सी से। एयरपोर्ट के बाहर का नज़ारा है। हम हैं बाकू के एयरपोर्ट पे। यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो गई है, मेरे पास डॉलर थे, मन्नत थे ही नहीं, और मेरे को बस में जाना था सिटी सेंटर। बस जाने के लिए मुझे मन्नत की ज़रूरत थी, तो मन्नत मनी मेरे को एक्सचेंज करानी यहाँ से बहुत महंगी पड़ रही थी। और आज बाकू में छुट्टी है, तो छुट्टी होने की वजह से मैं सिटी सेंटर में जाऊँगा, तो वहाँ भी मेरे डॉलर्स एक्सचेंज नहीं होंगे। फिर भी मैंने यहाँ पे कुछ डॉलर एक्सचेंज करा लिए जो कि मुझे रिसेप्शनिस्ट ने बताए थे। उसके बाद मैंने यहाँ पे टैक्सी का पता किया था, तो टैक्सी वाली बंदी पहले मेरे को बोलती 25 मन्नत, फिर उसने मेरे को बोला $25। तो इस तरीके से ये लोग स्कैम भी करते हैं, तो आपको ये टैक्सी वालों से बचना है, बस आप लेके सिर्फ जा सकते हैं बस। यहाँ से हमको बस कार्ड लेना है, मेट्रो कार्ड पे भी काम करेगा, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। ये टू मंथ मिनिमम इस पर बैलेंस रिकॉर्ड है, मैंने 10 मिनट का लिए, ओके करूँगा, यहाँ पे 10 मिनट डालूँगा और यहाँ से मुझे कार्ड मिल जाएगा। ये कार्ड है, रिसीट है।